शब्द नहीं है मेरे पास, किंतु एक बात जरूर कहूंगा कि आज जिस बात के लिए हम बैठे हैं, जिस गवर्नेंस की बात करते हैं और अटल जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर बात करते हैं, 2.0 एक तकनीकी टर्म है, मैं इसे राजनीति का दूसरा दौर कहता हूं। और राजनीति के इस दूसरे दौर में जो नई पीढ़ी राजनीति को बदलने की जिद के साथ कदम जमा के खड़ी है, जिसका ये अटल संकल्प है, उसमें से आज प्रमोद जी हमारे साथ हैं। मैं कहूंगा सदन से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे युवा तेजस्वी ऊर्जावान प्रमोद जी। प्रमोद जी, एक राजनीति की कड़वाहट और छटपटाहट विशेष तरह की हम दिल्ली में देखते हैं, परंतु आपके राज्य में लगता है कि लोग आनंद में आके खो जाते हैं, वैसी कड़वाहट नहीं दिखती। ऐसा कौन सा राजनीति में ये डॉक्टर कैसी सर्जरी कर रहा है? सबसे पहले तो पांचजन्य सागर मंथन इस पूरे टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप दूसरी बार ये कार्यक्रम गोवा में कर रहे हैं और हमें मौका मिला कि आपके साथ बातचीत करने का। दूसरी बात, आपने जो बताया कि दिल्ली वाली राजनीति की कड़वट और गोवा में किस तरह से राजनीति चलती है, पहले तो गोवा का हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ऊपर है, इसलिए यहाँ पे हैप्पी गो लक्की सभी लोग रहते हैं। और डेफिनेटली चाहे वो राजनीति हो या सोशल फील्ड हो, बाकी बिजनेस हो, यहाँ पे सब कुछ एक अच्छे मूड से, पॉजिटिव वे से, हैप्पी गो लक्की से चलता है। सारे ही आर्थिक स्टेट की तरफ देखते हैं, उनका तो मॉनिटर करने का 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उस 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम में कौन कितने परसेंटेज अचीव करता है, चाहे उनकी जो 13 फ्लैगशिप स्कीम्स है, उस 13 फ्लैगशिप स्कीम में कौन कहाँ पे है, ये हमेशा के लिए देखा जाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट 70% ऑफ द स्कीम्स में और 70% ऑफ द प्रोग्राम्स में वी हैव अचीव्ड मोर देन 90% ऑफ द मार्क्स एंड वी आर अगेन नंबर वन इन दिस। गोवा का जो छवि है, गोवा लोग आना चाहते हैं, उसमें एक बड़ा वर्ग है जो आनंद पाने के लिए और गम भुलाने के लिए आना चाहता है। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ के नतीजे आए हैं, बहुत सारे लोग गम में हैं। मैं उनको वेलकम करूंगा कि वो आ जाए गोवा में, कुछ दिन रहे, नहीं तो भी पॉलिटिकल टूरिज्म, हमने हमारे इलेक्शन में पॉलिटिकल टूरिज्म ढेर सारा देखा था, जो कि टूरिस्ट यहाँ पे पॉलिटिकली टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अभी कोई गम भुलाने के लिए यहाँ आए आ जाए तो हम ना नहीं करेंगे, और ऊपर से 25 से लेके 31 तक वेरी इंजॉइंग सिचुएशन गोवा में रहती है। तो अभी जो इंडी गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई, आप क्या उन्हें न्योता देना चाहेंगे, क्योंकि आपने पॉलिटिकल टूरिज्म बोला, वो परिणाम आने के बाद जो होता है वो टूरिज्म अलग हड़बड़ाहट में होता है, लोग विस्तार से घूम नहीं पाते, पहले तैयारियों की बैठकों के लिए आप बुलाना चाहेंगे? जी हाँ, वैसे समझो अभी चाहे वो इंडी हो, उन्होंने तो सिर्फ खुद का नाम बदला है। ओके, पहले तो वही गठबंधन है, यूपीए वाला ही गठबंधन है, उन्होंने सिर्फ यानी इंडी उनका नाम रखा है। ऐसे कोई पॉलिटिकल टूरिस्ट गोवा में आते हैं और बाकी कुछ तो कोई हर्ज नहीं। ये तो हमारी बात राजनीति को टटोलते हुए आगे बढ़ती ही रहेगी, मगर मैं इसमें विकास के पैमानों की भी बात करूंगा। बहुत सारे लोगों को शायद बहुत सी चीज़ें नहीं पता होंगी। 11,926 करोड़ यानी करीब 12,000 करोड़ की लागत से 315 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण आपके समय में इधर गोवा में हुआ है, और 90 में से 17 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। देश तो इसे देखता है किस तरह से, एक बड़ी सफलता की तरह, आप कैसे देखते हैं और इसमें सहयोग कैसा रहता है? पहली बात तो ये 11,000 नहीं है, आपको किसी ने तो मुझे लगता है कि रॉन्ग फिगर दी है। इट इज़ अ 25,000 करोड़ ऑफ रुपीज़
द डबल इंजन के सरकार ने 9 साल में गोवा में ऑलरेडी स्पेंड कर चुकी है, मतलब दुगना है ये आंकड़ा, दुगना है आंकड़ा ये। और अभी रिसेंटली मैं नाम लेकर तो पतरादेवी से लेके पौलेम तक पूरा नेशनल हाईवे हम पूरा कर चुके हैं। आर्टी द 15% द परवरी फ्लाईओवर एक ही बचा था उसके लिए द 650 करोड़ रुपीज 2 दिन पहले माननीय गडकरी जी जब गोवा में आए तो उन्होंने उसका भी फाउंडेशन स्टोन डाला है। अभी रिसेंटली द जुआरी ब्रिज विच इज स्पेंड 2500 करोड़ रुपीज 13 किलोमीटर्स का रोड और ब्रिज, ये पूरे देश में सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो केबल स्ट्रिज ब्रिज है। और उन्हीं के साथ साथ माननीय गडकरी जी ने जो ऑब्जर्वेटरी टॉवर और इसका जो फाउंडेशन स्टोन डाला है वो पूरे इंडिया में फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टॉवर रहेगा, इस तरह का पूरे देश भर में और किसी भी जगह पे नहीं है। मुझे लगता है कि जो ये ऑब्जर्वेटरी टॉवर होने के बाद पूरे गोवा में जितने सारे टूरिस्ट आते हैं उनको भी लगेगा कि एक बार डेट विल बी द 125 मीटर हाइट पे यानी ऑब्जर्वेटरी रेस्टोरेंट रहेगा, वहाँ से पूरा गोवा दिखेगा, सबको लगेगा देयर विल बी द कैप्सूल लिफ्ट डायरेक्टली सीधे 125 मीटर ऊपर जाके पूरा गोवा देखने का, और वो भी जुआरी ब्रिज के बीच में। दैट विल बी द वन ऑफ द फंटास्टिक आइडिया ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। हमेशा के लिए माननीय गडकरी जी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गोवा को जो मांगा है उससे भी ज़्यादा दिया है, इसीलिए ऑब्जर्वेटरी टॉवर करना उनकी ही संकल्पना थी। अभी रिसेंटली कल फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन में आए थे, उन्होंने फिर एक बार 10,000 करोड़ रुपीज हमें फिर सेंक्शन कर दिए। बचे रोड जो थे यानी कनेक्टिविटी के लिए कुछ रोड बचे थे वो भी रोड उन्होंने सेंक्शन कर दिए हैं, और साथ साथ इवन दो टू एक्सीडेंटल प्रोजोन जितने सारे थे वो पूरे एक्सीडेंटल प्रोजोन जो नेशनल हाईवे वाले हम निकाल रहे हैं। अगेन देर इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन द रिंग रोड ऑफ द जो रूरल गोवा है उसको कनेक्ट करने के लिए यानी फॉर द मोपा का हो या नेशनल हाईवे के लिए उसको कनेक्टिविटी करने के लिए कंसल्टेंसी फॉर्म फाइंड आउट किए हैं। इस बार तो गोवा में वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड एयरपोर्ट टू द नेशनल हाईवे, पोर्ट टू द नेशनल हाईवे, ऑल्सो द रेलवे टू द नेशनल हाईवेज, इसलिए नाउ गोवा विल बी वन ऑफ द बेस्ट लॉजिस्टिक हब के उभर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे सदर्न पार्ट में यानी एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करने के लिए अभी तक सिर्फ 3-4 जगह से ही होता था, बेंगलोर हो, मुंबई हो या दिल्ली हो, नाउ द गोवा विल बी वन ऑफ द डेस्टिनेशन, सो वी कैन डू द एक्सपोर्ट फ्रॉम द मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ऑलरेडी द कार्गो कैरिंग फैसिलिटीज मोपा से स्टार्ट हो चुकी हैं। इवन द वी हैविंग द गुड पोर्ट कनेक्टिविटी और पोर्ट भी अभी इम्प्रूव हो रहा है, तो इवन इसीलिए द एयरपोर्ट, पोर्ट और रेलवे इस तरह से सब कुछ एक साथ कनेक्ट करने के बाद इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉजिस्टिक हब। और गतिशक्ति की तरफ से जो हम पूरे कनेक्टिविटी कंप्लीट करने वाला पहला राज्य हो चुका है। गतिशक्ति को कंप्लीट करना मैं बता दूँ कि बहुत बड़े स्तर पर नियोजन भी है और संयोजन भी है, तो गोवा को जो राज्य का आकार होते हुए भी, छोटा आकार होते हुए भी बड़ा इरादा उसने जताया है, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है। परंतु यही दूसरी एक चीज़ पूछूँगा, चाहे 100% इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे हर घर में नल की बात हो, आपने फाइबर की बात भी की, साथ में लॉजिस्टिक हब की भी बात की, तो क्या क्योंकि गोवा छोटा है इसलिए बड़े लक्ष्य हासिल करना सरल है, या फिर डबल इंजन की सरकार की वजह से है, या फिर छोटा हो या बड़ा नीयत साफ होनी चाहिए, आपका मंत्र क्या है राजनीति का? छोटा या बड़ा इसमें नहीं होता है, मैं तो बोलता हूँ कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, चाहे वो राज्य बड़ा हो या चाहे वो राज्य छोटा हो। छोटे राज्य गोवा जैसे भी ढेर सारे हैं, उन्होंने कहा ये टारगेट अचीव किया है। मैं तो बोलूँगा कि कोविड कार्यकाल में जब मैंने पदभार संभाला, तुरंत ही 6 महीने के बाद यानी कोविड पूरे देश भर और जग भर में आया, और उसी देश और जग भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें सपना दिखाया और अदरवाइज मंत्र दिया, वो मंत्र था आत्मनिर्भर भारत, और वही आत्मनिर्भर भारत मंत्र लेके हम आगे गए।
और उन्हीं के आत्मनिर्भर मंत्र से हमें स्वयंपूर्ण गोवा बनाने की सोच आगे रखी। और इट इज आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट फॉर मी, ये जो क्रेडिट है जो पूरे सभी मेरे, एक तो पहले जो सभी ऑफिसर्स है जो स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम में लगे, और इवन दो बाद में पंचायत लेवल पे जो पंच सरपंच उन्होंने काम किया, बाद में जो प्यून तक सभी लोग जो काम में लगे उन्हीं के कारण ये पॉसिबल हुआ। आज भी हर सैटरडे गोवा में हमारा सीनियर स्केल वो, जूनियर स्केल वो, GCS के एवरी ऑफिसर एवरी सैटरडे जाके पंचायत में बैठता है, और पंचायत में केंद्र सरकार की हर एक योजना उन लोगों तक पहुंची क्या नहीं, राज्य सरकार की हर एक योजना सब लोगों तक पहुंची क्या नहीं, ये खुद यानी पंच सरपंच और इनसे मिलके ही इज वेरीफाइंग, अदरवाइज ही इज गोइंग इन द फील्ड। और इसी कारण हमें सब प्रोग्राम यानी हर घर नल से हो, हर घर इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सब कुछ हम अचीव कर पाए। हमारा मंत्र एक ही है, अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय, हम इस मंत्र पे चलते हैं। हमारे लिए राजनीति ये अंत्योदय तत्व पे काम करने का काम है। हम कांग्रेस जैसे नहीं है, कांग्रेस के लिए मुझे लगता है और बाकी पार्टियों के लिए भी राजनीति डेट इज़ अ बिजनेस फॉर देम, और खुद के लिए पैसे कमाना खुद के पहले, आई थिंक जब यहाँ पे राज्य उनका था, दे आर ट्रीटिंग द स्टेट लाइक द ATMs, उनके खुद के और उनके जो कोई पार्टी उनके लिए पैसा बनाना उनका काम है, लेकिन हमारा काम है अंत्योदय लेवल पे काम करना, ग्रामोदय सर्वोदय लोगों तक, लोगों के लिए काम करना, इसीलिए पॉसिबल हो जाता है। और माननीय मोदी जी ने जो विजन, उन्हीं में जो यानी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जितनी सारी योजनाएं बताई, वही सब योजना इन्हीं स्वयंपूर्ण मित्र के कारण हम लोगों तक पहुँचा सके। वही प्रोग्राम फिर से आगे हमने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशी कल्चर, डेयरी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, इन सब के साथ सबको किस तरह से, वी आर द डिपेंडेंट ऑन द एवरी, अमूल पे, अमूल के CMD यहाँ पे बैठे हैं, उनको पता है द गोवा में तो मिल्क की रिक्वायरमेंट फॉर पर डे इट इज़ 3.5 लाख लीटर पर डे है, और प्रोडक्शन कितना था, प्रोडक्शन था हार्डली 60,000 लीटर्स पर डे। तो कम से कम हमारे सर्वोदय, हमने स्वयंपूर्ण गोवा के अंतर्गत एडिशनली 40,000 लीटर्स हमने बढ़ाई, डेट इज अवर अचीवमेंट। यहाँ से सब्जी बेलगाम से आती थी, फ्लावर बेंगलोर से आता था, चिकन मटन बेलगाम से, सब कुछ, लेकिन इस 3 साल के अंतर्गत एटलीस्ट 35-40% ऑफ ये सब कुछ प्रोडक्शन वो बढ़ाया, डेट इज अ स्वयंपूर्ण गोवा। और ये पॉसिबल क्यों हुआ, हमने लोगों को बताया कि इम्पोर्टेंस बताया कि कैसे हो सकते हैं, और इसीलिए यानी पहले सिर्फ ओनली द सर्विस इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करते थे, नाउ दे आर फोकसिंग फॉर द इवन दो फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करने लगे। और ये फिर भी मैं बताऊंगा कि पहली बार कोई किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड मिलने लगा, फिशरीज के लिए कोई फिशरीज क्रेडिट कार्ड मिलने लगा, मिल्क फार्मर के लिए मिल्क क्रेडिट कार्ड मिलने लगा, और उन्हीं के लिए पहली बार विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी, विदाउट एनी श्योरिटी, दे आर गेटिंग द लोन फ्रॉम द बैंक। और मोदी जो हमारी केंद्र सरकार की योजना और हमारी योजना इन्हीं के कारण पॉसिबल हुआ, और वो स्वयं होके इस तरह के बिजनेसेस करने लगे, तो ही पॉसिबल हुआ कि हम स्वयंपूर्ण गोवा कर सके। यही तो विजन है, इसलिए ये सब कुछ हम अचीव कर पाए। कांग्रेस की बात तो करूंगा, आपने आहिस्ता से कांग्रेस की बात रख दी है, मगर मैं ठीक से करूंगा उसे, मगर उसके साथ ही आपने अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय की बात की। इसी दक्षिणी गोवा में गांव है, उसके ग्रामोदय की बात करूंगा। गांव का नाम है रिवोना। IIT कैंपस के लिए जमीन चिन्हित हुई है, आप सारी चीज़ें तय करके करते हैं, IIT कैंपस कब बनकर तैयार हो जाएगा, उसके लिए कोई समय सीमा, कोई प्लान? केंद्र सरकार के ढेर सारे प्रोजेक्ट गोवा में आए, NIT आई, IIT आई, नेशनल फॉरेंसिक साइंस आया, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ आया, इवन दो नेशनल वाटर स्पोर्ट्स आया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, नेशनल पोलर इंस्टीट्यूट, इस तरह के ढेर सारे प्रोजेक्ट गोवा में अभी भी एस्टाब्लिश है। कुछ लोगों को पता नहीं है, वन ऑफ द अंटार्कटिका पे जाने के लिए नेशनल पोलर इंस्टीट्यूट विच इज द बेस्ड इन द गोवा, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आज भी कुछ अच्छी तरह से यानी वहाँ से लोग अंटार्कटिका पे जा रहे हैं। इवन दो यानी NIT का कैंपस हमारा कुंकलिम में पूरा हो चुका है,
नेशनल फॉरेंसिक साइंस के लिए 2 लाख स्क्वायर मीटर ऑफ द लैंड ऑलरेडी वी हैव गिवन, नॉट एट इवन द कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग मायसेल्फ मैंने दी है. इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ के लिए सागवान में जो बना बनाया कला भवन उनको ऑलरेडी दे दिया है. सिर्फ बात IIT की है, मुझे पता है, मुझे भी थोड़ा मैंने बहुत दर्द होता है कहते हुए. हम लास्ट 4 साल से मैं भी मैंने लोगों का विरोध हुआ, 2-3 जगह हमने आइडेंटिफाई की थी और थोड़े से लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं यहाँ के, यानी मैं लोग बोलने से ज़्यादा यहाँ के कुछ इस तरह के लोग हैं जो हमेशा के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट को विरोध करते आए हैं और इन्हीं के कारण ये होता है. लेकिन निश्चित रूप से आईआईटी के लिए हम लैंड आइडेंटिफाई की है. निश्चित उन्होंने एक बार सर्वे करने के बाद उनको हम इस 2024 में तो हम लैंड देंगे, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ. बहुत अच्छी बात है. एक आपने आशंकाओं को इसके बारे में दूर किया IIT कैंपस के बारे में, मगर गोवा का जो टूरिज्म है और गोवा के लोगों का जो आना जाना है, अभी दाबोलिम के बाद में ओपा एयरपोर्ट शुरू हुआ, इसके साथ में एक खबर शुरू हुई कि आने वाले दिनों में दाबोलिम को बंद कर दिया जाएगा और वो सिर्फ डिफेंस यूज के लिए रहेगा. अभी आपकी राजनाथ सिंह जी से भी बात हुई थी, क्या वास्तव में ऐसा है या ये सारी बातें बेसिर पैर की हैं, दोनों एयरपोर्ट्स चलेंगे? जब मोपा को लैंड संपादित कर रहे थे तब से ये बात चल रही है और मोपा को विरोध भी होने लगा. कुछ हमारे साउथ गोवा जहाँ पे हम बैठे हैं, इस पूरे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के लोग यानी विरोध करने लगे, नहीं नहीं मोपा को मत लैंड संपादित करो, एक बार की तो मोपा होने के बाद दाबोलिम बंद हो जाएगा, इस तरह के विचार उनके मन में डालने लगे. लेकिन आज मैं प्राउडली बताता हूँ कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी स्टार्ट हो के 1 साल पूरा होने आया और उसके बाद एक भी फ्लाइट जो दाबोलिम से बंद नहीं हुई और उतनी ही एडिशनल फ्लाइट्स मोपा पे स्टार्ट हो चुकी हैं. और एडिशनल मैंने 60 फ्लाइट्स पर डे पे दाबोलिम पे आती है तो अभी 40 फ्लाइट्स पर डे मोपा पे आती है. इवन दो ऑलवेज देयर आर द, पहले तो लोग पार्किंग नहीं मिलता है, प्राइवेट जेट लाने के लिए नहीं मिल रहे, इसलिए गोवा नहीं आ रहे थे. मोपा होने के बाद टूरिज्म की कैपेसिटी डबल हो गई है, यानी बाय और इवन दो जो सिटी पहले दाबोलिम से कनेक्टेड नहीं थे वो ढेर सारे सिटीज और स्टेट कैपिटल अभी मोपा से कनेक्ट हो चुके हैं. इसकी बात तो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कही है, डिफेंस मिनिस्टर ने कही है और इवन दो द कैबिनेट डेट टाइम हैव रिजॉल्व मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के बाद भी कभी भी दाबोलिम बंद नहीं होगा, सिविलियन के लिए हमेशा के लिए चलता रहेगा. मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि अभी समझो हमें समझो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बंद करना था तो उसके लिए सिविलियन के लिए जो अभी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो करना चाहिए, रिसेंटली दे हैड स्पेंडेड मोर देन 300 या 400 करोड़ ऑफ रुपीज ऑन द दाबोलिम एयरपोर्ट, तो कभी बंद नहीं होगा. और इवन दो दे आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सिविलियन, और डिफेंस के लिए तो चलता ही रहेगा, तो डिफेंस के लिए चाहिए बिल्कुल, वो थोड़ा टाइम रेस्ट्रिक्शन है उतना ही, अदरवाइज दाबोलिम पब्लिक के लिए कभी नहीं बंद होगा. मैंने दक्षिणी गोवा में दक्षिणी गोवा के एक गाँव के लिए बात की थी, अभी मैं उत्तरी गोवा की बात करता हूँ, मैं तेरेखोल नदी की बात करता हूँ. तेरेखोल नदी से बार बार खबर आती है अवैध खनन की. अवैध खनन जब होता है तो नदी में कटाव होता है, कटाव होता है तो किसानों के खेत डूब जाते हैं. ये कटाव होना, अवैध गतिविधियां होना, किसानों की पीड़ा, सरकार को इसकी कितनी चिंता है और सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है? सरकार हमेशा के लिए यानी किसानों के बारे में सेंसिटिव रही है. हमने रिसेंटली एग्रीकल्चर बिल इंट्रोड्यूस किया और एग्रीकल्चर बिल इंट्रोड्यूस करते वक्त यानी यहाँ की एग्रीकल्चर लैंड यानी कोई भी किसी भी बाहर वाले को सेल नहीं कर सकता है अनलेस एंड अंटिल ही एग्रीकल्चरिस्ट, और एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट नहीं कर सकता है क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट करके, क्योंकि टूरिस्ट है इसलिए कोई यानी उसका कन्वर्जन करके जोन न चेंज करे, इसलिए हमने नया बिल एग्रीकल्चर बिल इंट्रोड्यूस किया. आप जो बात कर रहे हैं तेरेखोल रिवर की, वहाँ पे सैंड एक्सट्रैक्शन हो रहा है. हाँ जी हाँ, वैसे कि मैंने सैंड एक्सट्रैक्शन
लीगली सिर्फ एक या दो रिवर में ही परमिटेड है, इलीगली वहाँ पे कुछ उत्खनन हो रहा था, चाहे वो हाईकोर्ट हो या राज्य प्रशासन हो, इन्होंने पूरा बंद कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी एग्रीकल्चर के भी आफ नहीं, मुझे पता है क्योंकि इसीलिए तो पूरा हमने बैन कर दिया है वहाँ का उत्खनन करना। अभी आपने कांग्रेस की बात की थी, मेरी केंद्रीय खेल मंत्री जी से बात हो रही थी, आपने गोवा में नेशनल गेम्स कराए थे, आप भूल जाते हैं कांग्रेस ने भी एक बार कॉमनवेल्थ कराया था गेम, खेल कैसे कराते हैं आपको पता ही नहीं है, और कांग्रेस आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। कॉमनवेल्थ गेम हो या बाकी कांग्रेस के सभी गेम्स हो या भ्रष्टाचार हो, लोगों को एकदम पता है। हमारी नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा में इतना अच्छा हुआ, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद जितने प्लेयर्स यहाँ पे आए थे उनके वीडियोस हैं, क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ कौन से भी नेशनल गेम्स में और कौन से भी गेम्स में उन्हें नहीं मिली थी, उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ गोवा सरकार ने उन्हें दी थी। ये उनके सोशल मीडिया पे वीडियोज़ हैं, मैं जब उनका रिव्यू ले रहा था या मैं जब देख रहा था, तो फिर इतना आयोजन होने के बाद, यानी 10 दिन के लिए इतना बड़ा आयोजन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन में आए, उपराष्ट्रपति उसके क्लोजिंग में आए, मोर देन 15,000 यानी खेल के उनके प्रतिनिधि, उनके बाकी कोचिज, सब कुछ उनको हैंडल करना, उनके लिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन टीम और हमारे पूरा स्पोर्ट्स मंत्रालय लगा हुआ था, किसी की कोई एक सिंपल कंप्लेन नहीं है। कांग्रेस को तो आदत पड़ चुकी है, और कांग्रेस और उनके साथ वो दिल्ली वाले भी रहते हैं कभी कभी, तो उनको भी आदत पड़ी चुकी है, जो खुद खाते हैं तो उनको दिखता है कि बाकी लोग भी वैसे ही हैं। एक जिन लोगों को ऐसी आदत पड़ी हुई है उनका इलाज करने की भी बात अगर हम करें, तो एक तो पैथी वो है जो बहुत समय से इस देश में चलती रही, और दूसरी वो है जिसको इस देश ने अभी बढ़ावा देना शुरू किया। मैं इस देश के ज्ञान, इस देश की परंपरा, इस देश की पैथी की बात कर रहा हूँ, मैं आयुष और आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी इसे काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, और आप खुद आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, गोवा में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और आगे गोवा में आयुर्वेद का क्या स्थान देखते हैं? पहले तो एलोपैथी, आयुर्वेदा पैथी, होम्योपैथी, ऐसे डिफरेंट पैथी है, अभी नई पैथी उनके लिए जो है ईडी पैथी आई है, तो उनके लिए भी ऑलरेडी उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी। आयुष के प्रति मुझे हमेशा के लिए लगाव रहा है, और जब मैंने गोवा में आयुष का अच्छी तरह से प्रमोशन हमारे राज्य ने किया है, हर एक PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे आयुष के सभी डॉक्टर्स, चाहे वो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक, सभी डॉक्टर्स OPD और कंसल्टेंसी रहती है, और मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि आयुष का सबसे बड़ा एस्टैब्लिशमेंट, सबसे बड़ा अस्पताल हमारे नॉर्थ गोवा के नियर टू द मोपा धारगर विलेज में हमें दिया है। वहाँ पे अलोंग विद द हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर 250 बेडेड हॉस्पिटल के साथ UG और PG यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एजुकेशन स्टार्ट हो चुका है। इवन दो फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स आर टेकिंग द एडमिशन फॉर द आयुर्वेदा, वहाँ पे ऑलरेडी अलाउ कर चुके हैं, 2 साल से कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का वहाँ मिल रहा है, नॉट ओनली फॉर द गोवा, इवन दो पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका पेशेंट्स आर कमिंग इन अवर आयुष हॉस्पिटल धारगढ़। प्रमोद जी, मेरा जब जब आपके साथ बैठना हुआ है उसमें एक बात आप गोवा की संस्कृति की, यहाँ की पुरानी कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, पुराने मंदिर हैं, उनका बार बार जिक्र करते हैं, बार बार उनका उल्लेख करते हैं, मगर गोवा की जो छवि है उसमें एक उन्मत्तता दिखाई देती है, एक अलग तरीके का उन्माद भी दिखाई देता है, एक स्थापित छवि है टूरिज्म की, अगर मैं टूरिज्म के फिलहाल की अगर बात करूं, तो गोवा की जो सांस्कृतिक छवि है उसका जो वास्तव में लास्य है, परिहास है, गहराई है, और लोक परंपराएं हैं, इन सब के साथ आगे बढ़ते हुए आपके जो सरकार के अलग अलग कदम हैं,
आने वाले 10 साल में आप गोवा की कैसी छवि देखते हैं? पहले तो मुझे लगता है कि पूरे भारत भारतवर्ष में और भारत भर 150 साल के लिए इंग्रज थे। लोगों को पता होना चाहिए इस गोवा पर 450 साल के लिए पुर्तगीज का शासन था। उससे पहले यहाँ पे मराठा, शिलावन, कदम इन सब की राज हो चुका है। तो 450 साल के बाद भी हमने हमारी संस्कृति जतन करके रखी, ये बहुत बड़ी बात है। कदम काल का मंदिर, छत्रपति शिवाजी महाराज काल का मंदिर आज भी उतना ही अच्छी तरह से यहाँ पे लोगों ने सजा के रखा है। और मैं मुझे सौभाग्यशाली मानता हूँ 350 साल पहले जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मंदिर यानी बनाया था वही सप्तकोटेश्वर का मंदिर वही फिर से एक बार उनका पुनर्निर्माण करने का योग मुझे मिला, ये मैं मेरा परम भाग्य समझता हूँ। और वो लोकार्पण करने का योग मुझे मिला, ये मेरा परम सौभाग्य। वही सांस्कृतिक धरोहर आगे बढ़ाते हुए पहले लोगों ने गोवा की एक इमेज करके रखी थी, सन, सैंड और सी। बस लोगों को लगता था कि गोवा में आ जाओ, सन देखो, सैंड देखो, सी देखो, बस बीच पे लेटो, बाकी जो कुछ है करो और चले जाओ। डेट इज नॉट अ गोवा। आपको गोवा देखने के लिए ढेर सारा इंटरलैंड गोवा है, यहाँ के मंदिर है, यहाँ के चर्चिज है। और इंटरलैंड में गोवा देखा तो यहाँ पे आप देखा तो वेस्टर्न घाट है देखने के लिए, यहाँ पे 7 सेंचुरीज है जो अच्छी तरह से हमने प्रिजर्व करके, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे अच्छे से अभयारण्य है, ये भी देखने लायक है। और इवन तो रेनी सीजन में तो पूरा गोवा बहुत ही देखने लायक है। इसीलिए हम बढ़ावा देते हुए द स्पिरिचुअल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के लिए भाव दे रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में तो गोवा विल बी वेल नोन फॉर द मेडिकल टूरिज्म, आयुष टूरिज्म। जो पीएम मोदी साहब ने जो आयुष वीज़ा का कंसेप्ट अपने देश के सामने रखा है, वो आगे गोवा इसके लिए वेलकम करता है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, दो सीटें आपके पास भी हैं और दो सीटें नहीं, देश की नब्ज, देश का मिजाज गोवा बताता रहा है, तो आपका क्या संदेश है लोकसभा चुनाव की? हम ये कहें कि चुनाव आयोग की अधिसूचना तो जब होगी तब होगी, मगर देश चुनाव की चौखट पर खड़ा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से तीन राज्य में चुनाव लोगों ने देखा, कोई नहीं कह रहा था कि तीन राज्य भारतीय जनता पार्टी के आ जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे थे, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे घूमते हैं, इन चार राज्यों में मैं खुद गया था प्रचार के लिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, इन चार राज्यों में मैंने खुद प्रवास किया था। और पहले ही लग रहा था कि तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। इलेक्शन के दो दिन पहले मेरा जाहिर स्टेटमेंट था, मैं कोल्हापुर शिवाजी यूनिवर्सिटी में था, उसी दिन मुझे बताया था, मैंने तभी कहा था कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। तो लोग चाहते हैं, नो डाउट, ये तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो पूरे देश भर में काम कर रही है, सभी लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार उनके राज्य में आ जाए। मैं क्यों कह रहा हूँ, माननीय मोदी जी ने इस आज़ादी के अमृत काल में चार पिलर बताए हैं, एक नारी शक्ति, दूसरा युवा शक्ति, तीसरी किसान शक्ति और चौथा गरीब कल्याण। और उनका विजन आगे आने वाले 2047 तक, मीन्स 25 साल के लिए नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान शक्ति और गरीब कल्याण के लिए है। उन्होंने इसके लिए जो जो काम किया है वो आप निकाल के देखो, उसके ऊपर बोलने लगा तो मैं आधा आधा घंटा बोल सकता हूँ, यानी नारी महिला शक्ति के लिए कितना काम किया, युवा शक्ति के लिए कितना काम किया, युवा शक्ति के लिए फ्रॉम द क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया तक, किसानों के लिए कितना काम किया, पहली बार कोई किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड मिल रहा है, इससे पहले अपना ही हेल्थ कार्ड नहीं मिल रहा था, तो आजकल सॉइल हेल्थ कार्ड भी हर एक के लिए मिल रहा है।
इवन तो गरीब कल्याण पहले तो पहली बार अने आगे 5 साल के लिए मुफ्त रेशन देने का माननीय मोदी जी की गारंटी है और लोगों को मोदी जी की गारंटी बढ़ती है क्योंकि वो मोदी जी की गारंटी है और किसी की नहीं है। इसीलिए आगे आने वाली जब 24 की बात आती है तो इस बार यानी 400 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार आ रही है। ये आपको मैं ठाम मत से कह रहा हूँ क्योंकि मेरे जैसे छोटा कार्यकर्ता जब मैं गोवा की नहीं बात करूँ, गोवा में तो 100% दोनों के दोनों सीट मिल जाएंगे, 100% गोवा इस बार भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीट मिल रहे हैं, डेट इज नॉट डेट। लेकिन साउथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट में मैंने प्रवास किया है, चाहे वो केरल में हो, तमिलनाडु में हो, आंध्र प्रदेश में हो, तेलंगाना में हो, इस जैसे स्टेट में मैं रिसेंटली यानी 2-3 बार जाके आ चुका हूँ। लोगों को पीपल विल सरप्राइज, रिजल्ट आने के बाद लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि साउथ इंडिया में इतना कैसे बदल आ गया। लोगों को पता चलेगा, लोग मोदी जी को चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि फिर एक बार मोदी जी का सरकार यानी आ जाए, क्योंकि जिस तरह से 10 साल में इस चेंजेस जो लोगों ने देखे, 60 साल में जो कुछ लोगों ने नहीं देखा था इस 10 साल में देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या ह्यूमन डेवलपमेंट हो, पहली बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विकास देखा है, मानवीय विकास जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं जब ह्यूमन डेवलपमेंट मानवीय विकास की बात कर रहा हूँ तो आप देखो कि स्किल डेवलपमेंट जैसी नया मंत्रालय जो मोदी जी ने फॉर्म किया और हर हाथ के लिए काम देने के लिए काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। आज तक 60 साल तक लोग सिर्फ हाथ दिखाते रहे थे और कुछ नहीं, हाथ ही दिखाने का काम किया था, हाथ दिखाते और हाथ को वोट करो इतना ही बोलते थे, उस हाथ को काम देने का काम किसने किया तो मोदी जी ने किया। धन्यवाद प्रमोद जी, आपने खुल के अपनी बातें पांचजनी के मंच से एक बार फिर साझा की। आप अभी कह रहे थे कि मैं इस मुद्दे पर आधा घंटा बोल सकता हूँ, तो मुझे लगा कि ये बात बड़ी टेढ़ी है क्योंकि प्रमोद जी का साक्षात्कार करना थोड़ा कठिन बात रहती है, क्योंकि जो भी बात बोलो टू द पॉइंट फैक्ट्स के साथ और तुरंत वाक्य पूरा हो जाता, आपको दूसरा प्रश्न लाना होता, तो आप इस चीज़ पर आधे घंटे बोलेंगे, आधे घंटे नहीं हम पौने घंटे सुनने का अगली बार फिर प्रतीक्षा करेंगे कुछ नए विषयों के साथ, गोवा में, दिल्ली में और देश के अन्य स्थानों पर भी। आपका आज आपने जो समय निकाला उसके लिए आभार, पूरे सदन की ओर से मैं चाहूँगा कि खड़े होकर हम अभिवादन करें। जो प्रमोद जी का न्योता था दिल्ली में ली मेरिडियन होटल में, उन्होंने पांचजने से कहा था कि आप फिर आइए, हम आए हैं और आज यहाँ पर राजनीति के बदलते हुए दौर की चर्चा की है, सुशासन की बात की है, राजनीति की नई कसौटियों की बात की है, हम ये विमर्श जारी रखेंगे, राजनीति को सुशासन की राह पर चलाने की जिद के साथ, उस अटल संकल्प के साथ। ज्यादा इससे ज्यादा नहीं था, लेकिन 2014 के अंदर उन्होंने एक फैसला लिया कि हम 192 देश के अंदर एक मंत्री के नीचे डेलीगेशन देंगे। इस काम को करने के अंदर हमको 3 साल लगे। 3 साल के अंदर हम सब देशों के साथ, यानी जिस देश ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत के यहां से डेलीगेशन आएगा, उस जगह पर भी हम अपना डेलीगेशन लेकर गए और इससे एक भारत की छवि, भारत की मित्रता और भारत के ऊपर भरोसा जो कायम हुआ वो आगे आपको दिखाई देगा। चाहे संयुक्त राष्ट्र के अंदर हमें अपना जस्टिस भंडारी को अगर हमने आईसीजे के अंदर डलवाना था, और ये मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, फैसला लेट लिया गया, हमारे पास सिर्फ 3 महीने थे। अमूमन ऐसे चीजों के लिए फैसला 1 साल पहले लिया जाता है, 1 साल पहले से लॉबिंग शुरू होती है, नेटवर्किंग शुरू होती है, 3 महीने का समय था और 3 महीने के अंदर मेरे ख्याल से
हमारे जस्टिस ने जितना काम किया होगा हमने अपने इलेक्शन में उतना काम दिया। मैं कई बार जस्टिस भंडारी जब मिलते हैं तो यही कहता हूँ कि आपके इलेक्शन के लिए जितना मैंने काम किया मैंने अपने इलेक्शन में अपने लिए नहीं किया। अलग अलग देश के लोगों से बात करनी, अलग अलग समय है उनका, कभी रात के 2 बजे आप बात कर रहे हैं क्योंकि वहां के समय के हिसाब से उनसे बात करनी है, लेकिन जो मित्रता हमने वो अलग अलग देशों में जाकर जो हासिल की उसका फर्क पड़ा। जस्टिस भंडारी का सामना आखिर के अंदर यूके के जज के साथ था, यूके परमानेंट मेंबर है, स्थायी मेंबर है, उसका होना निश्चित था, लेकिन जो बाकी जो देश थे उन्होंने जाके यूके के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव को कहा कि हम जनरल असेंबली के वोटिंग की मांग करेंगे और आपके खिलाफ वोट देंगे। उन्होंने अपने आदमी को फिल्टर कर दिया। ये जो ताकत जो पैदा हुई वो इसलिए कि आपने सब देशों को दिखाया कि आप एक ऐसे राष्ट्र हैं जो उनके साथ चलना चाहते हैं, उनके साथ मित्रता करना चाहते हैं, छोटे और बड़े के बीच में फर्क नहीं है। बहुत बड़ी बात है। एक बात बड़ी आपने इंटरेस्टिंग कही, उससे मेरे मन में एक सवाल आया। आपने कहा कि मैंने इतना काम कभी नहीं किया, आप तो फौज में रहे, मोदी जी बहुत काम लेते हैं क्या? मोदी जी शायद सोते भी नहीं है। मानता है और फिलिस्तीन भी हमसे दुश्मनी नहीं रख रहा है, ये कैसे मैनेज हो पाया और इसके पीछे का सोच क्या है? दो तीन चीजें इसमें, कैसे आप अपने विदेश नीति के अंदर रिश्तों को बढ़ाते हैं, कैसे आप उनको कन्वे करते हैं और किस प्रकार से मोदी जी उन राष्ट्र नेताओं के साथ अपने यानी उनका एक जो संबंध जो बनता है उसका इस पे फर्क पड़ता है। आज अगर आप सऊदी अरेबिया के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं, इजराइल के साथ भी, ईरान के साथ भी, किसने सोचा होगा? अमेरिका और रूस तो ठीक है, यूक्रेन के साथ आपके अच्छे रिश्ते हमेशा से रहे, रूस के साथ भी अच्छे रहे, इसलिए हमको ऑपरेशन गंगा के अंदर आसानी हुई, जबकि हम जब लोगों को निकालना था और एक ही जगह बची थी उस समय, उसके लिए ट्रेन का बंदोबस्त हुआ, उस दौरान दोनों तरफ से इस चीज का यकीन किया गया कि कोई हमला ना, हम ट्रेन में निकाल के ले आए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, उनको लगता है कि सारे सऊदी और या जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो सुन रहे हैं भारत की, जो पहले नहीं उतनी सुनते थे। देखिए, जब किसी देश के अंदर आत्मविश्वास होता है, जब किसी देश के अंदर सहृदयता के साथ वो ये फैसला करता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे पास ये है, हम आपको देने को तैयार हैं, आप उनके साथ जो संबंध बनाते हैं उस संबंध की नींव विश्वास के ऊपर है, तो लोग बाग आपके साथ चलते हैं। ये अपॉर्चुनिटी मैंने पिछले सत्र में भी कोशिश की थी कि सिर्फ मैं ही, मुझे ये सौभाग्य ना मिले। आप लोग भी अगर जनरल वीके सिंह साहब से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। क्योंकि हमने उत्तराखंड में इस टनल की बात करी है या फिर ऑपरेशन द्वारा जिनके द्वारा चलाए गए और भारत की शक्ति की बात की, जो लोग अगर पूछना चाहते तो आप रात अच्छा अदिति सामने है, माइक अगर दे सकते हैं तो। सामने नमस्ते सर। सर, साहस और संकल्प के बाद आपकी आत्मकथा का अगला पड़ाव जो आपका जनसेवा में आपका ये समय जा रहा है और इतने अद्भुत संस्मरण हम सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं वाणी प्रकाशन से हूँ और आपकी आत्मकथा का पहला भाग, अब लगता है दूसरा अध्याय तो जरूर आना चाहिए, क्या आने की संभावना है? देखिए, वो जो मैंने लिखी, मेरी कभी इच्छा नहीं थी कि मैं आत्मकथा लिखूंगा, अब मैं आप सबके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं किसी के घर गया हुआ था, उसने शाम को खाने के लिए बुलाया था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे एक प्रकाशक भी मौजूद है। मैं उनके साथ बात कर रहा था और कुछ जैसे जब आमतौर पर बात करते हैं तो हंसी मजाक की बात होती है और मैं कुछ उनको ह्यूमर इन यूनिफॉर्म बता रहा था,
देखिए फौज में ऐसे होता है, आपके साथ भी शेयर कर सकता हूँ एक जो मैंने उनको वाकया बताया। ये वाकया है जबकि हम लोग 2 घंटे के नोटिस पर थे IPKF के तौर पर जाने के लिए। पुणे का वाकया है, लास्ट फ्लाइट जितनी भी इंडियन एयरलाइंस की थी उस समय वो कैंसिल कर दी गई और एक एक करके जहाज उतर रहे थे और जो हमारी पूरी की पूरी ब्रिगेड थी उसके अंदर जाना था। अपना काम करके मैं एक जगह खड़ा हुआ था, आराम से देख रहा था और तभी हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब आए। उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी हमारा तो लोड हो गया। उन्होंने कहा बाकी जो लोड नहीं हो उनको देख कर आओ। तो एक मैं जहाज के पास गया, वहाँ मैंने देखा काफ़ी हलचल हो रही है, हमारी यूनिट का था वो। तो वहाँ पर जब पहुँचा तो वहाँ पर जो एक हवलदार मेजर थे और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर थे उनके बीच में बहस हुई थी, कुछ और लोग थे। मैंने उनसे पूछा भी क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा जी वाटर गार्ड का हमारा यूनिट का जो झंडा पोल पे चढ़ता वो पोल लोड नहीं हो रहा। मैंने कहा पोल को ले जाने की जरूरत क्या थी सर? बिना वाटर गार्ड के झंडे के पोल के तो कैसे जा सकती है पर्यटन? तो मैंने अपने उसके लिए जानकारी के लिए पूछा कि आपने अभी तक क्या किया? वो कहा जी हमने पहले तो इसको जहाज के दरवाजे में से डालने की कोशिश की, वो पायलट भाग कर आया, बोला कि तुम हमारा जहाज तोड़ दोगे। क्योंकि वो आप खुद सोचिए 30 फुट का पोल कैसे जाएगा उसके अंदर से। मैंने कहा उसके बाद क्या किया? बोला जी हमने फिर इसको ऊपर बांधा। फिर मैंने देखा ये ऊपर नहीं बंध रहा है ठीक तरह से। मैंने कहा अब क्या कर रहे? बोले जी हम इसको नीचे बांध रहे इसके पहिए के साथ। मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करिए इसको छोड़ दीजिए। तो मैं ये बात उनको बता रहा था तो वो करते करते उन्होंने कहा कि आप लिखते क्यों नहीं है? मैंने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं लिखने की। उन्होंने कहा इसके बारे में सोचिए। और अगले दिन जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट ला के मुझे दे दिया कि आप लिख के दीजिए। और गलती से मैंने साइन करते मैंने सोचा एक साल के बाद पूछेगा, मुझे क्या पता कि प्रकाशक इतने खतरनाक लोग होते हैं। तो उन्होंने जिस दिन मैंने साइन किया अगले दिन आकर उन्होंने एक समय सारणी दे दी, आपकी ये चाहिए मुझे इतने दिनों में, ये चाहिए इतने दिनों में, ये चाहिए। और मैं उसमें फंस गया इसलिए मैंने वो आत्मकथा ली। लेकिन आगे अब देखते हैं अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उसका शायद दूसरा संस्करण निकालना पड़े या उसको पूरे तरीके से चेंज करना पड़े पता नहीं। हालांकि मैंने वो किताब तो नहीं पढ़ी लेकिन TSD पर तो जरूर आपको लिखना चाहिए। ये दिनेश मानसेरा को सवाल पूछना था। जनरल साहब मैं दिनेश मानसेरा हूँ 5000 उत्तराखंड से। सिलक्यारा टनल में एक बात आपसे शायद छूट गई, वो बोगनाथ महाराज की, थोड़ा उस पर भी आप, क्योंकि कहते हैं देवभूमि है और देवभूमि में बिना देव के नमस्कार किए कुछ हो नहीं सकता, तो क्या एक ये भी कारण था? दूसरा सवाल मेरा एक ये है कि रामपुर से लेके और जो काठगोदाम तक नेशनल हाईवे 84 है उस पर काम पिछले 2-3 साल से बहुत ढीला है, क्या इस पर कोई प्रगति होगी? देखिए जहाँ तक बोगनाथ का सवाल है, वहाँ पे जब मैं पहुँचा एक दिन लोकल जितने लोग हैं उनसे बातचीत कर रहा था तब ये बात सामने आई कि जी यहाँ पर पहले एक छोटा सा मंदिर था और वो शायद बनाते टाइम हटा दिया गया है। तो मैंने कहा बिल्कुल हम तो फौज, देखिए फौज के अंदर एक ही तंबू में सब कुछ होता, गिरजा भी होता है, चर्च और मस्जिद भी होता है, मंदिर भी होता है, सब कुछ एक ही उसमें होता है। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं कि जब गोली चलेगी तो कौन बचाएगा, जो भी है वो, इसलिए सबकी पूजा करते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है हम एक टेम्परेरी वहां पे बना देते हैं। लेकिन एक लोगों के मन में एक शक, और मेरा मानना है कि जब लोगों को ऐसा लगने लगे $500 थी जब हमने शुरू में लिया था और वो हमारा स्टॉक जो है, क्योंकि हम ट्रेडिंग करते रहते हैं, वो स्टॉक हमारा कम हो गया, थोड़ा क्रिटिकल हो गया। अब जिस देश ने दिया, कोई भी देश हो, चाहे आपका दोस्त है चाहे दोस्त नहीं है, वो निगाह रखता है कि आपके पास जो सामान गया है वो उसकी वस्तुस्थिति क्या है। और
जब हम पर क्रिटिकलिटी आए, हम दोबारा रूस के पास गए कि हमको ये चाहिए, क्योंकि जब शुरू में लाए थे तो हमारे लोगों ने कहा था कि हम बना लेंगे, लेकिन वो नहीं बना पाए। उनका बिल्कुल हम दे देंगे आपको, लेकिन इसकी कीमत होगी सिर्फ $5,000 पर बोला। ये दिक्कत है, अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको कितना का सोना देना पड़ेगा। हाँ, और इसलिए बनानी चीज जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल आ गया है, आखिरी सवाल। जी जी, नमस्कार सर, मेरा नाम नविता शरण है और मैं एडिटर हूँ गोवा समाचार की। दो चीजें आपने बोली जो बहुत दिल को छू लेने वाली थी। एक तो आपने कहा कि आप बहुत छोटे से बिस्तर में रह करके रात गुजारी, क्योंकि लोगों को बचाने का जिम्मेदारी थी आप पर। ये चीजें मीडिया में नहीं आई, इसका अफसोस है। दूसरी चीजें आपने बताई कि 192 कंट्रीज में भारत ने अपना डेलीगेशन भेजा। मोदी सरकार के आने के बाद इंटरनेशनल रिलेशन की एक नई परिभाषा गढ़ी गई, ऐसा मुझे लगता है। जो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात हम करते हैं, उन्होंने उसको जमीन पर साकार करके दिखा दिया। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब तक का हम इस वसुधैव कुटुंबकम को लेकर आगे नहीं चलेंगे, तब तक आपके रिश्ते अच्छे नहीं बने। हर रिश्ता सिर्फ इसीलिए नहीं होता कि वो क्या दे सकता है, मैं क्या दे सकता हूं। अगर उसके पीछे, और सब लोग इस चीज को समझते हैं, आपसी रिश्तों में भी यही होता है। जिस दिन आपसी रिश्तों में भी लगता है कि इस रिश्ते के अंदर कुछ स्वार्थ है, वो रिश्ता खटास में आ जाता है, और यही देशों के बीच में होता है। और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, उसको लेकर जब हम मित्रता के हाथ आगे बढ़ाते हैं, सब लोग हमारे साथ साथ चलने के लिए साथ चलते हैं। और G20 को देखिए, जिस भव्यता के साथ भारत ने किया, शायद ही किसी भी दुनिया में ऐसा किया। और इसके अंदर भी एक ही वो था, वसुधैव कुटुंबकम। हमने सबकी देखभाल करनी है, सबके साथ मित्रता करनी है, सबके भले की सोचनी। अभी लगता है कि समय खत्म हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वसुधैव कुटुंबकम की आपने बात की, और हम यहाँ बात कर रहे थे शक्ति भारत की। तो अगर भारत शक्तिशाली होगा तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो हर देश सुनेगा, जैसे आप सुन रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनरल वीके सिंह जी। और अब मंच पे हम आमंत्रित करेंगे पांच जने के, उससे उभरने में अभी काफी समय लगा, और धीरे धीरे जो पर्यटन क्षेत्र है वो पटरी पर आ रहा है। ऐसे में दोबारा ये आहट होना कि कोविड के फिर से एक नए वेरिएंट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये भ्रम फैलना कि हो सकता है फिर से लॉकडाउन लग जाए, क्या आपको लगता है कि सरकार दोबारा इस तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार है, अगर ऐसा होता है जिस तरह से लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है? हमने देखा है 2020 से 2020 तो पीक था कोविड का, और ये कोविड का एक्सपीरियंस हम सबने किया हुआ है, और आज हम सभी इसके लिए हम तैयार हैं। पहले तो किसी को कोविड क्या है, उसके मेडिसिन क्या है, हमें कुछ पता नहीं था। और इसके बाद में ऐसे बहुत से वेरिएंट अलग अलग इसमें अलग अलग देश में अलग अलग हमारे अलग अलग स्टेट में आके चले गए। ले आज जो सरकार की भी तैयारी है, लोग भी इसको फेस करने के लिए तैयार है, और इसलिए पहले जैसे डरने का कोई सवाल नहीं है। आएगा, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास ताकत है, हमारे पास सब कुछ व्यवस्था है, और इसलिए किसी ने पैनिक होने की जरूरत नहीं होगी। जैसा हमने पीछे उसको फाइट दिया है, उससे क्या फायदा, आगे भी दे देंगे। कोविड आएगा, कोविड जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात है कि जैसा आपने कहा कि टूरिज्म ये 2-2.5 सालों में इफेक्ट हुआ था, लेकिन आज सभी के राज्यों के प्रयास से, केंद्र सरकार के प्रयास से, हम फिर एक बार उसी लेवल पर आ गए हैं, और आगे निश्चित तौर से टूरिज्म का फुटफॉल निश्चित तौर से बढ़ता रहेगा। हम अगर गोवा की बात करें, क्योंकि गोवा में हम बैठे हैं, यहाँ पर टूरिज्म को देखा जाता है तो मौज मस्ती की ज़्यादा बातें होती हैं। क्योंकि मैं खुद भी कल 2-3 मंदिरों में घूम कर आई हूँ, और देखा यहाँ पर कि ऐसी ऐसी धरोहर हैं जिनके बारे में जो पर्यटक आते हैं उन्हें जानकारी नहीं है,
और इस क्षेत्र में यहाँ की राज्य सरकार तो काम कर ही रही है, जीर्णोद्धार हो रहे हैं कई मंदिरों के, क्या केंद्र की ओर से भी कोई पहल की जा रही है इस तरह से यहाँ पे धार्मिक टूरिज्म विशेष तौर से मंदिरों को लेकर? जरूर जरूर, सभी इसका जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो जिस दूसरी स्कीम है प्रसाद करके, यहाँ तो कई पुराने ASI साइट है, इस साइट को भी डेवलपमेंट के लिए जो प्रसाद हमारी स्कीम है उससे हम फंडिंग करते हैं। और आज जो टूरिस्ट आ रहा है वो खाली जैसा मैंने कहा मैं बीच के लिए आ रहा है ऐसा नहीं, और गाँव में इतने सुंदर मंदिर है, इतने पुराने मंदिर है, वो सब देखने के लिए भी आ रहे हैं, उनका दर्शन करने के लिए आ रहा है। और इसके लिए हर इसको सुविधा देना राज्य सरकार अपने बहुत बड़े प्रयास कर रहा है, केंद्र सरकार जैसा मैंने कहा कि केंद्र सरकार उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और आज आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ आप मंदिर जाएंगे कौन कौन से जैसे जो साइट्स हैं टूरिस्ट जहाँ आते हैं वहाँ जाएंगे तो जिस तौर से वहाँ बदल जो हुआ है वो आपको दिखाई देगा। बता हुआ है लेकिन कई जो है काफी इंटीरियर में है, मैं जिस तरह से देखा हमने काफी इंटीरियर में है और उनके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन वो हजारों साल पुराने उनकी कहानियां ऐसी हैं जो कि पर्यटन स्थल बनने लायक वो जगह, साथ ही साथ देश की जनरेशन जो युवा जनरेशन है उसको उस बारे में जानकारी होना चाहिए कि गोवा के अंदर भी इस तरह के मंदिर रहे हैं और एक सांस्कृतिक विरासत की पूरी धरोहर यहाँ पर है, तो वो कनेक्टिविटी के लिए भी क्या कोई काम हो रहे हैं कई जगह? जरूर, सरकार अपने तरफ से डिजिटली भी अपने सभी माध्यम जो है लोगों को पहुँचाने वाले जो माध्यम है उस माध्यम का उपयोग करके सभी उसका जो इतिहास है उसका कहाँ कहाँ क्या क्या स्तर है वो गोवा सरकार भी करी है और भारत टूरिज्म मंत्रालय भी कर रहा है, तो इसकी जानकारी गोवा में कोने कोने में क्या क्या है इसकी जानकारी हम लोगों तक पहुँच अच्छी तरह से पहुँच रही है और इसीलिए तो टूरिज्म बढ़ता जा रहा है और आगे भी इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। आपने एक बार एक बयान में कहा था कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ रोजगार का सृजन जो है वो पर्यटन क्षेत्र का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, तो क्या ऐसे कोई आंकड़े हैं कि अगर हम पिछले 10 सालों का हिसाब देखें तो क्या रोजगार के क्षेत्र में पर्यटन को लेकर कितनी वृद्धि हुई है और भविष्य क्या है? भविष्य तो उज्ज्वल है, मैं आंकड़े में एग्जैक्ट आंकड़े में आपको बताऊँ क्योंकि इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कम है, कहीं हम ऑफिस खुला गए वहाँ कम से कम 10-20 स्टाफ जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट होता है एक कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया वहाँ कई छोटी मोटी दुकानें होंगी, वहाँ कोई रेस्टोरेंट हो जाएंगे, वहाँ टैक्सी लगेगी, वहाँ चाय पानी की व्यवस्था लगेगी, ऐसे जो बातें हैं उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उसी से जरिए मिलती है और ये एम्प्लॉयमेंट बहुत इसको स्कोप है और बहुत इसी तरह से बहुत बड़ा बड़ी संख्या उसमें आ गई है और टूरिज्म पर्यटन व एम्प्लॉयमेंट का एक साधन बन गया है, जितना जितना पर्यटन बढ़ेगा उतना उतना एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। एक राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड का प्रावधान जो था वो काफी लंबे समय से भारत सरकार के पास विचाराधीन रहा है, क्या सरकार इस बोर्ड के गठन को अभी जरूरी समझती है, कब तक इसका गठन किया जाए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? जरूर जरूर जरूरत पड़े उसके ऊपर मंथन विचार शुरू है और निश्चित पड़े जरूरत पड़ेगी तो उसका गठन हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, आप यहाँ पर आए, आपने पूरी जानकारी दी और सागर मंथन सुशासन संवाद 2023 में आपने काफी महत्वपूर्ण बातें तो बताई हैं, लेकिन चलते चलते ये बता दीजिए कि आपकी दृष्टि में सुशासन की क्या परिभाषा है? 2009-2014 से तो आप देख ही रहे हैं देश में जो शासन में परिवर्तन रहा है, क्योंकि मूलतः शासन जिसके लिए है, ये जो आज जो शासन चला रहा है उसको पता है शासन किसके लिए है, शासन वो लोगों के लिए नहीं है, शासन लोगों की सेवा करने के लिए है। और इसी तरह से मोदी सरकार हो, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो सरकार लोगों को आखिरी कड़ी का आदमी कैसा आत्मनिर्भर हो इसी के बारे में उसको क्या उसकी उसको क्या क्या चाहिए वहाँ क्या क्या विकास करना है ये सब देख के ही यही ध्यान में रखते हुए राज्य का हो केंद्र का हो विकास कर रहे हैं। आज हमारे देश को आज पूरी दुनिया पहचानने लगी है और कहीं राष्ट्राध्यक्ष भी भारत के इसमें बोले हैं कि इस तरह से भारत आज उभर रहा है, इसका मतलब यही तो विकास ठीक तरह से यहाँ हो रहा है।
और विकास है तो चलती प्रक्रिया है, वो कभी थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, तो ये तो चालू रहेगा। लेकिन ये विकास के साथ साथ यहाँ की जनता का विकास ये भी सब ध्यान में रखते हुए भारत भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें, केंद्र सरकारें हो, राज्य सरकारें हो, ये थीम ध्यान में रखते हुए तो आपने सैकड़ों स्कीम देखे प्राइम मिनिस्टर ने, एक छोटे बच्चे बच्चों को करके बुजुर्ग तक कोई अपना उसको कहीं तकलीफ नहीं होने, इसी तरह की स्कीम आज दे दी है। और आज जो भारत की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आज रही है, तो ये सभी स्कीम लोगों के घर में पहुंचाने का काम, प्रचार करने का काम ये सब कर रहा है। और इसीलिए आज जनता भी जागृत हो रही है, जो फायदे उनको मिल रहे हैं वो जो फायदे मिल रहे हैं वो ले रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का यहाँ एक जिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है। इसके ऊपर हम क्या बोलते हैं कि एक चीज के ऊपर उपकार नहीं है, ये जो उन्होंने आशीर्वाद हमें दिए है तो इनके लिए काम करना है, ये हमारा पठ्या ही हमारा ये है, ये इसको लेकर आगे। भारतीय जनता पार्टी की बात किया, हम वैसे भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है उसी का उत्सव मनाने हुआ दूसरी बार आए हैं, तो उनके साथ कोई अनुभव या उनके जन्मदिन पर कुछ विशेष? आप इससे पहले ऐड करूंगा, जो पार्लियामेंट में आपने देखा होगा जो 2047 में 50 में जो कानून बने थे, ब्रिटिश ने जो कानून बनाए थे ये आज तक चालू थे, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन माननीय मोदी जी ने उसके ऊपर चिंतन करके कम से कम 350 जो वहाँ के जो कायदे थे आज उसको स्क्रैप करके भारत के नए कायदे उसके जगह पर बिठा दिए। क्योंकि वहाँ ब्रिटिश का जो ये जमाना था वो क्या करता था कि भारत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सताए, जुल्म करने के जो कानून थे उन्होंने लगाए थे, उनको सब कुछ हमें उनको हासिल करना था। लेकिन आज मोदी जी ने विचार करके कानून बदले हैं, ये जनता के प्रति जो अपना ज़्यादा उनको फिक हो गया, ऐसे कायदे आज लाए हुए, यही तो बदल सुशासन में बदल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीपद जी, आप यहाँ आए सागर मंथन हमारे सुशासन संवाद में, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपद नायक जी के लिए जोरदार तालियां। सर आपको यहाँ के कैसे लग रहा है सागर मंथन? जी मैं सबसे पहले तो सागर मंथन की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देऊंगा कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया, और ख़ास तौर से देश के विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है। प्रारंभ में अगर देखें तो माननीय परांडे जी ने बहुत अच्छे सूत्र दिए कि हमारा परिवार व्यवस्थित कैसे रहे, विकास की तरफ हम आगे कैसे बढ़ें। फिर अगर देखें विकास की योजनाओं को माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को हमने सुना, माननीय श्रीपद यशो नाइक जी को सुना, तो ये सभी के जो विचार हम लोगों को प्राप्त हुए ये कहीं ना कहीं हमको आगे का रास्ता दिखाते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं। और एक ये जो सत्र था जिसमें स्वास्थ्य के सूत्र, मैंने हम देश को स्वस्थ कैसे बना सकते हैं, बिना मेडिसिन के बिना चिकित्सा के अगर व्यक्ति को हम स्वस्थ बना सकें तो शायद ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और हमने इस सत्र में यही कहा कि हमारा दिनचर्या कैसी हो, हमारा ऋतुचर्या कैसी हो, हमको सीजन में किस प्रकार से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमको कोरोना काल में जिस काल में पूरा विश्व परेशान था उस काल में भी हमने आयुर्वेद के माध्यम से पूरे विश्व को एक नई दिशा प्रदान की। और उस समय भारत सरकार ने आयुष 64 को पूरे भारत के लिए कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए प्रसारित किया था, और उसकी एक विशेषता ये थी कि जहाँ जहाँ कोरोना के टेस्टिंग सेंटर थे वहाँ पर हमने उस मेडिसिन को उपलब्ध करवाया, तो उसके कारण कोरोना पॉजिटिव लोग उस मेडिसिन को लेकर के 7 दिन 8 दिन 9 दिन में कोरोना से निगेटिव हुए और उनको हॉस्पिटल तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने हॉस्पिटल के ऊपर जितना लोड बढ़ता मतलब बेड भी खाली नहीं थे उस कंडीशन में आयुष सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं पांचजन्य ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देता हूँ
कि उन्होंने पूरे समाज तक किस प्रकार से हम स्वस्थ रहें आज के इस बदलते परिवेश में, जिसमें पिज़्ज़ा बर्गर ये फास्ट फूड का ट्रेंड चल रहा है, हम उससे दूर जा कर के हमारी भारतीय पद्धति के रूप में हमारे घर में बनने वाले भोजन का प्रयोग करें, हमारी दिनचर्या का प्रयोग करें, हम रात को समय पर सोएं, सुबह थोड़ा जल्दी उठें, तो कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है कि एक सफलतम कार्यक्रम का आयोजन आज पांचजन्य ग्रुप ने यहाँ पर किया। सर, जब कोरोना की बात चल रही तो आपने एक स्टेटमेंट किया कि जो लोग शंख बजाते थे उनको कोरोना होने के बावजूद भी ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं हुआ। दूसरा आपने स्टेटमेंट किया कि कोरोना के केसेस के बाद में जब लॉकडाउन के वक्त जब लोग घर पे खाना खाते थे तो 30-40% लेस इन्फेक्शन वाले केसेस आ रहे थे। लेकिन दो चीज़ें मैंने बताई कि कोरोना काल में सब कुछ बंद था, होटल्स बंद, स्ट्रीट फूड्स बंद, तो उस समय लोगों को घर का खाना खाना मजबूरी थी और उसके कारण देखने को मिला कि कोरोना के बाद में हॉस्पिटल में आने वाले जो पेशेंट जिनको खास तौर से खाने के कारण जो तकलीफ़ ज़्यादा होती है, जैसे एसिडिटी है, कुछ GI ट्रैक्ट की डिजीज़ है, लीवर डिसऑर्डर्स हैं, एब्डोमिनल पेन आदि, इसके पेशेंट बहुत कम हो गए। तो इसलिए मेरा अभी भी लोगों को यही कहना है कि जहाँ तक संभव हो आप घर का ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। रेस्टोरेंट में तो कभी कोई विशेष फंक्शन है तब आप गए तब भले खा लीजिए, लेकिन केवल खाना खाने के लिए आप रेस्टोरेंट जाते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी एक और बात जो खास तौर से इस कोरोना काल में मैं कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद के द्वारा एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में है और हमने दोनों ही वेव में 2020 में भी 2021 में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को एडमिट किया और मुझे कहते हुए बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है कि दोनों ही वेव में उस अस्पताल में एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की डेथ नहीं हुई। मैंने आयुर्वेद की चिकित्सा से जो भी लोग वहाँ एडमिट हुए सब केवल ठीक होके नहीं गए, ठीक होने के बाद में जो अपन कई लोगों को आफ्टर कोरोना भी कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन हुए वो भी उनको नहीं मिले, और उसके लिए निश्चित रूप से आयुष मंत्रालय के हम सब आभारी हैं जिन्होंने आयु रक्षा किट, स्वास्थ्य रक्षा किट और बाल रक्षा किट, ये तीन किट बनाई थी। आयु रक्षा किट थी कोरोना काल में व्यक्तियों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य रक्षा किट पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए, और बच्चों को कोविड में हम उनका स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें इसके लिए बाल रक्षा किट बनाई थी। तो यानी समय समय पर जैसी आवश्यकता लगती रही वैसा अनुसंधान करके आयुष मंत्रालय ने समाज के स्वास्थ्य के रक्षण के लिए बिल्कुल निरंतर प्रयास करते रहे। इसलिए मैं पूरे आयुष मंत्रालय को, भारत सरकार को इस कोरोना काल में हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए जो उन्होंने कदम उठाया उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। सर, योर गुड नेम सर? प्रोफेसर महेश व्यास, डीन PhD, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली। थैंक यू सर। कोकणी सागर मंथन पांचजणांच्या वतीनं दर वर्षा हा कार्यक्रम आयोजित केला होता आणि उत्कृष्टतेची देशाच्या विकासाची चर्चा वेगवेगळे व्यक्ती हाडून हंगा जाता आम्ही सगळ्यांनी अनुभवल्या। देशाची सद्यस्थिती आणि त्यातूनच्या नागरिकांचे आमचे सगळ्याचे कर्तव्य निश्चितपणे ज्याने ज्याने ऐकला त्यातून देशाचं चित्र डोळ्यासमोर येऊन हमें कितरी योगदान या देशा संदर्भात करचे, जे जे जागार आसा थंचन करचे असो एक भाव तातूनच्या निश्चितपणे निर्माण जाता। खूबशो गोष्टी ह्यो खरी अज्ञान म्हणजे काही ज्या गोष्टीचे ज्ञान नशिल्ले कारणान आम्ही त्या गोष्टी संदर्भात चिंतन करू शकना किंवा सहयोग करू शकना, परंतु हो जो कार्यक्रम असा खरोखरच हे विचारांचे मंथन, परंतु त्याच्यान देशभक्तीचो जो हे असा आधार त्या विचाराक आधार दिवपाचे काम जे असा हे या सागर मंथनाच्या माध्यमातून पांचजण दर वर्षा करता, त्याबद्दल त्यांचे सगळ्यांचे अभिनंदन। खूपशा वक्त्यांनी आपले वेगवेगळ्या पद्धतीने या देशाच्या संदर्भात वैयक्तिक काय ना आणि अजून किती जाऊ नये, पुढे जो देश जर पुढे वाचूक जाय त्याला आम्हाला किती करू जाय, ही काही डायरेक्शन त्या अजून मेळटा याबद्दल परत एकदा हा गोयच्या वतीन जे पांचजण आणि त्यांच्या सगळ्याच्या स्टाफाचे देव बरे मनापासून देव बरे करू। धन्यवाद। ने सागर मंथन गोवा में सुशासन संवाद आयोजित किया है। सुशासन संवाद में हमारे साथ जनरल वीके सिंह है, सर सुशासन संवाद में सुशासन की बात कर रहे हैं, सुशासन को लेकर के पांच जनवरी के बारे में आपके कोई भी मुहिम जो एक इस विचार से चलती है कि समाज को देश को सबसे महत्व
पाँच दिन की जो सुशासन की है वो अपने आप में अंदर एक अलग क्योंकि आप अलग अलग लोगों को बुलाते हैं संवाद करते हैं उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं जिससे कि भारत के आगे बढ़ने के रास्ते खुले ताकि वो लोगों को पता चले। मेरा मानना है कि एक विकसित भारत की जो हमारी मुहिम उसको भी इससे पंख सागर मंथन में पांचन संवाद में पांचन सुशासन संवाद में अपनी बात रखने के लिए हम जनरल वीके सिंह का धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं आदित्य भारद्वाज पांचन इसके लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जयंती ही दर वर्षा पार्टीच्या लेवलाचेर वेगवेगळे कार्यक्रम करून साजरी केली होती। तातूंतलो एक महत्वाचो कार्यक्रम जो पांचजन म्हणजे जे मॅगझीन आसा विकली मॅगझीन विकली हें आसा आनी ताचो सुरवातेचो पयलो एडिटर अटल बिहारी वाजपेयी आशिल्लो ते हे सुशासनाचेर कार्यक्रम करता गूड गव्हर्नन्स जे अटल बिहारी वाजपेयीचें स्वप्न आशिल्लें जें ताणें त्या वेळाचेर चालू केल्लें ताजेर एक सेमिनार ताजेर वेगवेगळी डिस्कशन्स असो एक कार्यक्रम ते आयोजीत करतात। ह्या खेपेक तांणी हांगा हो कार्यक्रम आयोजीत केला आनी तातूंत बरे बरे स्पिकर म्हणजे परांदे आशिल्लो आतां मागीर गडकरीचें बरें जालें आनी म्हाका दिसता एक भुरग्यांय खूब आशिल्लीं आनी बरें आसा म्हणजे कॉलेजींतलीं भुरग्यां बी आशिल्लीं जांकां प्रॅक्टिकली हें सुशासन म्हणजे कितें गूड गव्हर्नन्स म्हणजे कितें गूड गव्हर्नन्स म्हणजे कितें रस्ते बांदले म्हणजे गूड गव्हर्नन्स आनी कितें केलें जाल्यार अटल वाजपेयीचें स्वप्न आशिल्लें की ह्या देशांतल्या गरिबांतल्या गरीब मनशाक सामको अनप्रिविलेज अंडर प्रिविलेज आसा पळय त्या लोकांक ताचो फायदो जावपाक जाय त्या लोकांक एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान त्रास दिले वचपाक जायना अशें एक स्वप्न अटल बिहारी वाजपेयीचें आशिल्लें तें प्रामाणीकपणान तो तें पूर्तता करपा खातीर प्रयत्न करता। आज ताजेंच स्वप्न मुखार घेवन नरेंद्र मोदीजीन आतां जें काम केलां आज नितीन गडकरान सांगलां तशें कितलेशे गांव आज रस्त्यांनी जोडले गेल्या ताका लागून शेतकऱ्यांक खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा कडेन पावतले खूब प्रॉब्लम सॉल्व जाले आनी त्या संबंदी लोकांच्योय कितें सुचना आसत लोकांचे कितें विचार आसत जाल्यार ते सुद्दां एक सांगपाक मेळटा इंटरॅक्ट करपाक मेळटा असो हो सुंदर एक कार्यक्रम तांणी हांगा आयोजीत केला। हांव पांचजनाचें अभिनंदन करतां की पोरूय तांणी केल्लो अंदूय केला फुडल्या वर्साय ते करतले हांवें तांकां म्हणलां तें म्हणटालें आमी करतलेच हो कार्यक्रम आनी एक लोकां मुखार रिव्यू लोकांक देशांत कितें चल्लां हाची म्हायती सगळ्यांक कळटा खास करून तरणाट्यांक कळटा तरणाट्यांचे पार्टिसिपेशन ह्या खेपे चड आसा तातूंतल्यान एक मॅसेज वता भुरग्यां कडेन सुद्दां की बाबा गूड गव्हर्नन्सा खातीर आमचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसपाक शकता लोकांचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसपाक शकता हे अश्यो खुबश्यो गजाली तांकां कळटा। गति शक्ति के माध्यम से गोवा की विकास किस तरह से आप देखते हैं? गतिशक्ति के माध्यम से आपने देखा है जैसे मैंने अभी कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 2014 से अभी तक मोर देन 25,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ ओनली द नेशनल हाईवेज ब्रिजेस और रोड्स के लिए यहाँ पे स्पेंड कर चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑल द नेशनल हाईवे कम्प्लीटेड एक्सेप्ट 15% वो भी कल माननीय गडकरी जी ने फाउंडेशन स्टोन डाला है। तो फिर गतिशक्ति के माध्यम से चाहे वो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो पोर्ट कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी हो एक अच्छी तरह से कनेक्टिविटी गोवा में डेवलप की है। तो गोवा इज़ डेवलपिंग वन ऑफ द बेस्ट लॉजिस्टिक हब फॉर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू द साउदर्न बिकॉज हम इस तरह से लोकेशन पे हैं क्योंकि वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द रेस्ट ऑल द वर्ल्ड इसलिए गतिशक्ति के स्ट्रेटजीज के हिसाब से गोवा एक इम्पोर्टेंट स्टेट है। सर क्रिसमस और न्यू ईयर की गोवा में किस तरह से तैयारी कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की तैयारी? गोवा में क्रिसमस बहुत बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मैं पूरे देश भर के सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ विश द मैरी क्रिसमस और आगे आने वाले नए साल के लिए भी यानी मैं सबको नया साल मुबारक विश यू हैप्पी न्यू ईयर। लॉ एंड ऑर्डर से लॉ एंड ऑर्डर हमेशा के लिए मेंटेन रहता है। ट्रैफिक कंजेशन गोवा में हमेशा के लिए फ्रॉम 24 तक 1st ऑफ जनवरी तक रहता है लेकिन उनके लिए स्पेशल पुलिस फोर्स हमने डिप्लॉय किया है ऑल द कोस्टल एक ग्रुप फोटो बना हमने उसकी व्यवस्था की है।
टीम पांच जन चलो।